हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों अभी मैं डिनर का टाइम हुआ है तो सभी को डिनर दिया है मैंने। अपने पैरेट्स को, बजीज को, रिंगनेक पैरेट्स को भी दिया है, रैबिट को भी दिया है, एंड हैमस्टर है मेरे पास, उनको भी मैंने अभी डिनर दिया है। बाकी बजीज मेरे ये रहे। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बजीज का ब्रीडिंग प्रोसेस। डे फर्स्ट है आज, और मेरे बजीज ने, जिसने कि 4 महीने पहले ब्रीडिंग की थी, आज फिर से ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी फीमेल ने, और एक एग जो है उसने अभी दे दिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर विजिबल हो पाया तो। यहाँ से फोकस नहीं हो पा रहा दोस्तों, फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा फोकस कराने की उसके ऊपर। एक्चुअली में फ्लैश बंद है वीडियो की। चलो आपको मैं अंदर से विजुअल करा देता हूँ कि जो एग है उसका वो कैसा है। उसका आप देख पा रहे होंगे कि मट्टी के अंदर जो है फीमेल है और एक एग भी है। तो अभी डे वन है और उसने एक एग दिया है। बाकी आपको डे बाय डे उसकी वीडियो दिखा दूंगा क्या प्रोसेस चल रहा है, कितने एग्स हैं, कितने बेबी निकलते हैं, कितना उसमें टाइम लगता है, और क्या आपको उसको डाइट देनी है। दोस्तों तो इसकी डाइट मैं कल से शुरू कर दूंगा। अभी मैंने इसको फिलहाल धनिया और वाटरमेलन दिया था, बाजरा दिया था। पानी जो है इनका मैं रोज़ चेंज कर रहा हूँ, जो कि ब्रीडिंग के टाइम पर पानी जरूर से होता है चेंज करना। जब भी ब्रीडिंग आपका पक्षी करे तो आप उसका वाटर ज़रूर चेंज करें, और हो सके तो उसमें कैल्शियम की दवाई ज़रूर डाल दें। तो ये थी आज की वीडियो, और जो उसका प्रोसेस रहेगा डे बाई डे का, मैं आपको रोज़ वीडियो बनाते रहेगा, उस पर डालता रहूँगा अपने चैनल पर, ताकि आप सभी लोगों को उसकी जानकारी मिल जाए कि ब्रीडिंग के समय आपको पक्षी को क्या देना होता है, कितने दिन में देना होता है, और ब्रीडिंग जो आप पक्षी करता है कितने एग देता है बजीज, कितने दिन बाद उसके बच्चे निकलते हैं एग में से, और कितने दिन तक वो एग देता रहता है। तो पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।